हिमाचल की बेटियां किसी से कम नहीं है। ये बात हिमाचल की बेटियों ने मुंबई में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में सिल्वर हासिल कर साबित कर दी है। आपको बता दें कि फेडरेशन कप ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई में 9 से 12 फरवरी तक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके लिए हिमाचल की टीम ने कलहूर खेल परिसर में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कठोर मेहनत की और उनकी इसी मेहनत ने हिमाचल महिला टीम को भारत में दूसरे पायदान पर खड़ा कर दिया है। हिमाचल की महिला टीम की कप्तान प्रियंका नेगी की अगुवाई में जीत हासिल कर हिमाचल पहुंची टीम का सोलन में भव्य स्वागत किया गया। हिमाचल की इस विजेता टीम में शामिल 2 खिलाड़ी सोलन से हैं, जिसके चलते सोलन शहर में भी खुशी की लहर दौड़ गई। हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम में प्रियंका नेगी कप्तान, उप कप्तान कविता सदस्य, निधि, ज्योति, पुष्पा, ललिता, विशाखा, शुमना, भावना, रीना और सारिका शामिल हैं। इस मौके पर टीम की कैप्टन प्रियंका नेगी ने कहा कि हिमाचल की बेटियों ने हिमाचल का नाम रोशन कर दिया है और वह चाहती हैं कि जिस तरह से खिलाड़ी आंचल को सरकार ने प्रोत्साहित किया था, उसी तर्ज पर उन्हें भी नगद इनाम से प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने खेल मंत्रालय से भी आग्रह किया है कि खेल में किसी भी तरह की राजनीतिक हावी न हो और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें ताकि वह भविष्य में और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वहीं प्रियंका ने कहा कि इस प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की थी और वह महज एक अंक से पीछे रही, नहीं तो गोल्ड मेडल उनका होता, लेकिन भविष्य में वह और भी कड़ी मेहनत करेंगी और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सीएम साहब से अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस प्रकार आपने स्किंग की लड़की आंचल राणा को आंचल को 5 लाख रुपए का कैश प्राइज देके ऑनर किया गया, उसी प्रकार कबड्डी की लड़कियों को भी ऑनर किया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में खेलो इंडिया में हिमाचल की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और सीनियर नेशनल में इंडियन रेलवे जैसी टीम को हराना एक बहुत बड़ी बात है। ये एक इतिहास रचा हम लोगों ने किया है। तो मैं सीएम साहब से अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आपने उस बेटी को नाम रोशन करने पे ऑनर किया, उसी प्रकार कबड्डी की लड़कियों को भी ऑनर किया जाए, ताकि हिमाचल में स्पोर्ट्स को लेके कोई पॉलिटिकल जैसा मतलब देखने को ना मिले कि किसी गेम को अप रखा जा रहा है और किसी को नीचे रखा जा रहा है। वहीं सोलन की खिलाड़ी विशाखा ने कहा कि हिमाचल के खिलाड़ियों को भी अच्छा प्रदर्शन करने पर पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर नगद इनाम मिलना चाहिए। अगर सरकार नगद इनाम से उनका हौसला बढ़ाती है तो वह खेलों में और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे अदर स्टेट्स में हरियाणा और पंजाब में हर प्लेयर्स को कैश प्राइज मिलते हैं, हमें भी उस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध हो, जिसके करके हमकी जॉब ना करनी पड़े, हम 2-4 साल अपना खेल फिर से कंटिन्यू रख सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें भी ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो। आने वाले टाइम में हम अभी दोबारा से सिंगल नेशनल होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम गोल्ड मेडल हासिल करें।